हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास और जैसे कि हमारे शो का नाम सजेस्ट कर रहा है, हमारे साथ हैं शो पे पाकिस्तान के सबसे आउटस्टैंडिंग विकेट कीपर एंड समबडी हु हैज प्लेड 2 वर्ल्ड कप्स फॉर पाकिस्तान, उसमें से एक वर्ल्ड कप पाकिस्तान 92 का जीता और दूसरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फाइनल्स तक पहुंचा, और एक सुपरस्टार विकेट कीपर पाकिस्तान के, और उन्होंने ना सिर्फ विकेटों के पीछे बल्कि विकेटों से आगे अच्छी बैटिंग करके भी पाकिस्तान को बहुत सारे मैचेस जिताए, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोइन खान साहब। सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। क्रिकेट के मैदानों में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा इवेंट जो क्रिकेट का हो रहा है वो बॉक्सिंग डे एशेज टेस्ट मैच हो रहा है, चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मेलबर्न MCG में खेला जा रहा है, और उस टेस्ट में एक नया रंग लिया टेस्ट मैच ने जहां इंग्लैंड ने लीड ली, और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एलिस्टर कुक जो उनके ओपनर हैं उन्होंने शानदार 244 रन्स की इनिंग्स खेली है, और ये एक रिकॉर्ड है कि किसी ओपनर ने बैट कैरी किया और 244 रन्स किए हों। तो सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे और उस पर हमने एक पैकेज तैयार किया है, वो पैकेज देखते हैं, उसके बाद मोइन भाई से पूछते हैं कि कैसी परफॉर्मेंस है इंग्लैंड की, और कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई हैं उसमें बॉल टेम्परिंग को लेकर, जेम्स एंडरसन को लेकर, तो उस पर भी बात करेंगे देखा कि किस तरह हम देख रहे हैं। सबसे पहले लेकिन पॉजिटिव चीज़ की बात करते हैं कि एलिस्टर कुक ने 244 रन की इनिंग्स खेली है, और इस पूरी सीरीज में हमने देखा है एशेस में वो थोड़े यू नो उतने फॉर्म में नहीं दिखे, लेकिन जो उन्होंने कमबैक किया है, मतलब वो एक यू नो दिख रहा है कि जेन्युइन यू नो आउटस्टैंडिंग ओपनर है, और बहुत अच्छी नो डाउट उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर तो कोई डाउट ही किसी किस्म का नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने एट टाइम्स इंग्लैंड के लिए कप्तानी भी बहुत अच्छी की हुई है, और बिल्कुल एक कहना चाहिए कि एक ड्यू था एक बड़ा स्कोर एलिस्टर कुक जिस स्किल्स के प्लेयर हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, और ये ड्यू हो गई थी बिकॉज के पूरे तीनों मैच में अगर देखा जाए तो टोटल मेरा ख्याल है कि 90 या 100 के करीब इन्होंने रन किए थे, और तमाम अपनी जो फेलियर्स थे उनको इस इनिंग के थ्रू उन्होंने एक तो कमबैक भी किया, ओवरकम किया उसको, आई थिंक आउटस्टैंडिंग इनिंग, और बहुत बड़ी बात है कि ऐसे आप कहना चाहिए कि प्रेशर में आके इतना पीछे चले जाए और फिर वहाँ से कम बैक करना, ओवरऑल इंग्लैंड टीम की बहुत बड़ी सक्सेस है इस टेस्ट में देखा जाए। यहाँ पर 3 टेस्ट मैच हारने के बाद आप इतने प्रेशर में ये मैच खेल रहे थे मेलबर्न का बॉक्सिंग डे का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नो डाउट। और अब जैसा हमने पैकेज में देखा यकीनन आप सवाल टेम्परिंग पे, बॉल टेम्परिंग, लेकिन मुन भाई हम क्योंकि आप हमारे शो पे हैं और हमारे व्यूअर्स बहुत सारे हमारे शो को पसंद भी करते हैं, तो हम जो लाइव कॉल का नंबर है वो अनाउंस कर देते हैं। हम आप लोग व्यूअर्स की स्क्रीन पे भी आ रहा होगा 0213222722। सो आप मुइन भाई से जो सवाल करना चाहें लाइव कॉल करके कर सकते हैं। मुइन भाई बॉल टेम्परिंग पे आ जाते हैं। बिल्कुल बॉल टेम्परिंग, आई थिंक एक तो मैं ये कह रहा था कि इंग्लैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, 3 मैचेस हार चुके, अब चूंकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, अब इस वक्त जो मेंटली सिचुएशन है मैं समझता हूँ कि 11 के 11 प्लेयर्स चाह रहे हैं हम किसी भी तरीके से ये मैच जीतें। सही बात, आई थिंक वो यही हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टैक्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली कि कैमरे ने कैच कर लिया। अब दुनिया की पूरी टीमें आजकल बॉल टैम्परिंग नहीं कहूँगा इसको, मैं ये कहता हूँ कि बॉल की केयर होती है बेसिकली। जिस तरह हमने फुटेज देखी उसमें थोड़ा वाजे था कि हाँ वो कुछ इसको एंडरसन कुछ करना चाह रहे थे जो कि कैच हो गया, बट दुनिया की टीमें करती हैं, कुछ पकड़ी जाती हैं कुछ नहीं पकड़ी जाती हैं, कुछ इस तरह करती हैं कि कैमरे को भी नहीं पता लगता। आई थिंक इस वक्त इस फ्रेम ऑफ माइंड में इंग्लैंड की टीम के वो चाह रही है बस किसी तरह मैच जीतें और अपनी फेस सेविंग करें सीरीज में कम से कम, और इज्जत से घर वापस जाएं। एब्सोल्युटली मोइन भाई, एक और चीज़ भी हमने देखी कि इंडिविजुअल प्लेयर्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को मिचेल स्टार्क की खिदमत नहीं हुई थी बिकॉज वो इंजर्ड थे, वो नहीं खेल सके। सिमिलरली इंग्लैंड हमने देखा कि तीनों टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल किया बिकॉज बेन स्टोक्स उनके जो प्रीमियम ऑलराउंडर है वो नहीं थे सीरीज में। सो इस हम देख रहे हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर्स का टीम में होना भी बड़ा मैटर करता है, तो स्टार्क का ना होना ऑस्ट्रेलिया को बड़ा हिट किया है। ऑफ कोर्स ये देखे मैच विनर्स होते हैं, स्टार्क ने थ्रू आउट तीनों मैचेस में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, और एक एक कहना चाहिए था एक प्रेशर, एक डर, एक खौफ इंग्लैंड के बैट्समैनों के ऊपर नजर आ रहा था क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की उन्होंने, और मैंने बहुत अरसे के बाद मुझे लग रहा है कि जो पिछला गैप आया है उन्होंने सारी प्रिपरेशन अपनी इस सीरीज के लिए, क्योंकि ये वो सीरीज होती है इसमें भी मेक और ब्रेक होता है। सही बात, तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो मेरा ख्याल है कि स्टार्क बिल्कुल तैयार थे और सही हमला किया है पूरे टेस्ट मैचेस में, बट अनफॉर्चुनेटली वाकई इस इनिंग में इस मैच में
वाज़े फ़र्क नज़र आया बॉलिंग में, और यही वजह मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर 491 इंग्लैंड कर गई है अपनी पहली इनिंग में, तो ये बड़े बॉलरों से फ़र्क तो पड़ता है आपको, और इमिजिएटली कोई भी उसके खिलाफ वो नहीं कर सकता। तो इंग्लैंड लकी रही इस मामले में कि स्टार्क निकला यू नो। तो हमेशा कोई भी टीम होती है, देखें आप अगर ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें, तीनों टेस्ट मैचेस में स्मिथ ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है बैटिंग में, यानी एक वाजे तौर पे दूसरे बैट्समैनों के साथ फर्क नजर आ रहा है कि इज द ओनली वन जो कि कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, वेयर एज इसी तरह बॉलिंग में मिचेल स्टार्क था, और आज इंग्लैंड की तरफ से हमने देखा एक इंडिविजुअल बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हुई है, बैट कैरी किया, बहुत अरसे के बाद बैट कैरी हुआ है, ये भी एक रिकॉर्ड है। बस इंग्लैंड को एक चीज से डर लगता है, वो है बारिश। आज भी ऐसा हुआ कि तीसरे सेशन का गेम यू नो ना नहीं हो सका बिकॉज वो बारिश हो गई, सो उम्मीद करते हैं कि मैं बता रहा हूँ ना, अब ये फैक्टर्स हैं, बारिश हो गई, इनको पता था बारिश, ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश हो जाएगी, बारिश तो कोशिश इंग्लैंड की है कि जल्दी से बॉल को इस तरह सिचुएशन में इस शेप में ले आए कि रिवर्स स्विंग शुरू हो जाए। तो ये वो तमाम चीजें ना, अब मैं ये कह रहा हूँ कि हर तरह से इस वक्त इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं उनका फोकस है कि मैच किसी भी तरीके से जीते। आई थिंक यही सोच रखते हुए अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया पे तो कल चांस है, मैच जीत भी सकते हैं, ऑल्दो के अभी 8 विकेटें बाकी हैं और 50-60 रन अभी और चाहिए ट्रायल पे, लेकिन मुश्किल नहीं होगी। मैं पर्सनली कहता हूँ क्योंकि इतने प्रेशर में इस वक्त ऑस्ट्रेलियन टीम है, तो अगर अटैक किया जाए तो आप पकड़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मोइन भाई, हम एशेज को कनेक्ट करते हैं हमारे यू नो पाकिस्तान को जो टेस्ट मैचेस खेलने हैं नए एफटीपी में। नजम शेट्टी साहब ने आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो मीडिया पे आके उन्होंने एफटीपी के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से काफ़ी क्लैरिटी दी, बिकॉज वो काफ़ी ऐसे सिर्फ ट्वीट पे चीज़ें बता रहे थे। सो हमने एक पैकेज तैयार किया जिसमें नजम शेट्टी की जो गुफ्तगु है उसको सुनते हैं, फिर उस पर हम क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ आके फिर जैसे सब दोस्त सब ने कहा यार इसको पोस्टपोन करो, पहले देखें क्या होता है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट, पहले देखें इंडियन गवर्नमेंट का क्या रवैया है, फिर बीसीसीआई के क्या रवैया है, फिर पाकिस्तान का क्या रवैया है। सो बोथ इश्यूज जो है ना जैसे स्टेटस को करके उसको पेंट कर दी, कितनी देर लगेगी? मेरा ख्याल है कि 3 महीने में भी हो सकता है और 9 महीने भी लग सकते हैं, ज़्यादा देर भी लग सकती है। अब सबकी यही कोशिश होगी कि ये जल्दी हो ताकि ये एफटीपी जो है इसका मामला जो है अब ये फंस गया है। अच्छा मोइन, हमें लगता ये है कि एफटीपी पे जो डिस्कशंस हो रही थी मीडिया पे वो थोड़ी प्रीमेच्योर थी, बिकॉज जो एफटीपी है वो अभी भी फाइनलाइज नहीं है। अगर हम नजम शेट्टी की बात साहब की बात को पूरा सही से समझें तो एफटीपी स्टिल हैज़ टू फाइनलाइज, और वैसे भी ये एफटीपी 2019 से ऑनवर्ड्स था 4 सालों के लिए। सो शायद इसमें हमारे पीसीबी को ये समझना चाहिए कि अगर मीडिया डिपार्टमेंट सही तरह अपना रोल प्ले करे और क्लैरिटी दे लोगों को कि यार ये एफटीपी जो डिस्क्लोज हुआ है वो एक यू नो अनफाइनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एफटीपी है, क्योंकि अभी भी वो कह रहे हैं कि उसको फाइनलाइज होने में टाइम है। सो कितना आपको हमारी मीडिया जो हैंडल हो रहा है उसमें बुराई लग रही है आपको? आई थिंक देखो मीडिया का काम है कोई भी किसी किस्म की कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसको देना, ये ऑब्लिगेशन है मीडिया की, और उसके साथ साथ पीसीबी का एक अपना रोल है, उसका अपना डिपार्टमेंट। आई थिंक अगर इस तरह की चीज़ें जब लोगों के पास आधी खबरें जा रही हों और जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग फैल रही हो और आप की जगह सही हो रही हो, तो आई थिंक वहाँ पे टास्क देना चाहिए, टास्क करना चाहिए, प्लस अपने मीडिया डिपार्टमेंट को एक्टिव करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी मैं पीसीबी के किसी चेयरमैन को मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए देखता हूँ और ये सारी क्लैरिटी देते हुए देखता हूँ तो बड़ा अजीब सा लगता है। आई थिंक इसके लिए एक मीडिया डिपार्टमेंट जब है आपके पास, उनके लोगों को मेरा ख्याल है कि एक्टिव होना चाहिए, और एवरी डे जहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग आती होती है वहाँ पर मीडिया का रैप कोई मौजूद होना चाहिए मीडिया के अंदर जो क्लैरिटी दे। जितनी भी प्रेस रिलीज हैं एवरी डे अगर आपको निकालनी पड़ रही है आप ज़रूर निकालें, बट क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि ये क्या सराइयाँ ना हो इस पर, मफरूजों पे जो है वो कहना चाहिए कि बातें ना हो। मुझे कॉलर है लाइव हमारे साथ, जी कौन साहब है, क्या सवाल है, कौन साहब बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई है। मोइन, हम कंटिन्यू करेंगे हमारे डिस्कशन से कि ये तो बड़ा क्लियर दिख रहा है कि मीडिया डिपार्टमेंट जो पीसीबी का, इट हैज़ टू प्ले इट्स रोल ताकि इस तरह की कन्फ्यूजन ना हो, और इवन इफ के ये एफटीपी बेहतर होता है, देखें थोड़ा सा डिस्कशन करने से ये ज़रूर फ़ायदा हुआ है कि पीसीबी ने यू नो उसको फोर्स करना शुरू किया है कि यार हमारे ज़्यादा टेस्ट मैचेस होने चाहिए, बिकॉज 4 साल में 28 टेस्ट मैचेस इज़ फार टू लेस, ज़्यादा होने चाहिए, बिकॉज हम
चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद अपने आप को एक यू नो बेहतर टीम समझना शुरू हुआ है। हालांकि एफटीपी पे तो काम एक साल या छह महीने पहले से हो रहा था जब हम इतनी बड़ी टीम नहीं थे। सो डू यू थिंक मीडिया डिपार्टमेंट हैज टू प्ले द रोल इन सच अ वे कि लोग कंफ्यूज ना हो? बिल्कुल, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखें मीडिया डिपार्टमेंट में भी अच्छे खासे लोग हैं, बाकायदा काम करें, बट अनफॉर्चुनेटली काम नजर नहीं आता उनका। उनका काम यही है कि मीडिया से कोऑर्डिनेशन रखें और आपकी जितनी भी डिसीशंस होते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन होती है जो शेयर करने के काबिल है मीडिया से, उसको क्लैरिटी के साथ शेयर किया जाए ताकि वही एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो और किसी कंट्रोवर्सी में आप ना पड़े। आई थिंक इसको अच्छी तरह एक्टिव करने की ज़रूरत है। कभी कभी मैंने ये भी देखा है कि क्योंकि नजम सेठी साहब का खुद ताल्लुक मीडिया से रहा है, दोस्त बहुत हैं उनके मीडिया में, Absolutely. तो वो बातों बातों में कुछ ना कुछ बता देते हैं, तो उन चीज़ों को लोग जब मीडिया में लेके आते हैं यू नो वो आधी खबरें तो होती हैं, ऐसा भी होता है। देखें क्योंकि मेरा भी एक फ्रेंड सर्कल है क्रिकेट में, मीडिया के अंदर, यू नो किसी भी चीज़ पे जब तक कंफर्म बात ना हो एक तो करनी नहीं चाहिए, और अब आप दोस्तों को यू नो एज ए फ्रेंड समझ के हल्का फुल्का डिस्कस करते हैं तो लोग उसको यूज़ करना शुरू करते हैं, विच इज़ रॉन्ग आई थिंक, विच गोज अगेंस्ट लाइक कहना चाहिए कि एट द एंड क्या होता है, पाकिस्तान का मीडिया में मजाक उड़ रहा होता है कि यार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ रहा होता है। तो आई थिंक इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए और कॉन्क्रीट जब तक आपके पास कोई डिसीजन ना हो, क्लैरिटी ना हो किसी चीज़ में, तो मीडिया में मेरा ख्याल है कि डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। और ये मॉरल और एक प्रोफेशनल बाइंडिंग भी होती है यकीनन हर प्रोफेशनल के ऊपर, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। व्यूअर्स हमें एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मोइन से हम बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज के हवाले से, जहां हमने 5 ओडीआईज और 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं। सो कहीं नहीं जाइएगा, बिहाइंड द विकेट पर। वेलकम बैक टू बिहाइंड द विकेट, वी हैव विद अस मोइन खान ऑन द शो एंड यू कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आवर शो बाय कॉलिंग अस ऑन 02133227022। ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कशन स्टार्ट की थी पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की। मोइन, 5 ODIs खेलने हैं, 3 T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, 2 हमारे प्रीमियम बॉलर्स की खिदमत हमारे पास नहीं होंगी, जुनैद खान और उस्मान शिनवारी, लेकिन बैटिंग में भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक चैलेंज होगा आफ्टर विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज ये वो कंडीशंस हैं जिसका पाकिस्तान यूज टू नहीं है। सो डू यू थिंक कि ये यू नो मेक इट और ब्रेक इट होगा बहुत सारी चीज़ों का? वेल नॉट रियली कि मेक इट और ब्रेक इट होगा, बट जब आपका एक जेन्युइन कॉम्बिनेशन जो आप कैरी ऑन करते हुए आ रहे हो और आप जीत रहे होते हो, उसमें जब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाए, प्लेयर्स अनफिट हो जाएं और किसी वजूहत की वजह से एक्सक्लूजन हो जाए प्लेयर का, तो यकीनन टीम का जो एक कहना चाहिए कॉम्बिनेशन है वो इफ़ेक्ट होता है। आप सही कंपोज टीम नहीं कर पाते, मुश्किल होता है, आप डबल माइंडेड हो जाते हो एज अ कैप्टन। जैसे सरफराज की अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जाने से पहले, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे जो मेन बॉलर्स हैं, जिसमें इमाद भी इनफैक्ट बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट टू विकेट करते हैं, बिल्कुल सही, नए बॉल से भी उनसे बॉलिंग कराते रहे, शिनवारी बहुत अच्छी रीसेंट पास में बॉलिंग कर रहे थे, देन जुनैद खान नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग करनी शुरू की थी, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गए, तो यकीनन उन बॉलर्स के लिए चैलेंज होगा, कप्तान के लिए चैलेंज होगा, और सबसे बड़ा चैलेंज मैं समझता हूँ बैट्समैन के लिए होगा, बिकॉज के अब आपको इनकी एब्सेंस के अंदर आपको एक जब भी टोटल देखेंगे बोर्ड पर तो आपको एक बड़ा पोस्ट करना पड़ेगा टू डिफेंड, यू नो तो इतना इजी नहीं होगा। ऑल दो के वेन्यूज जितने भी हैं ज़्यादातर पे गेंद 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 स्विंग होता है, गेंद मूव होता है, ऑफ द पिच भी हेल्प मिलती है बॉलर्स को, तो उससे एक एज ज़रूर जाता है। हमारे जैसे आमिर जामीन को सिलेक्ट किया तो अच्छी सिलेक्शन है, लेकिन एट दी अदर साइड हमारे जो बैट्समैन है वो स्ट्रगल करते हैं ऐसी कंडीशन में। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बोला कि थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा सेट होने के बाद। आमिर यामीन की सिलेक्शन को भी थोड़ा नेगेटिवली देखा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम को शायद अपने बैट्समैन पे इतना भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने जुनैद खान की जगह जो रिप्लेसमेंट लिए वो यू नो प्योर बॉलर नहीं है, वो यू नो बॉलिंग ऑलराउंडर है, जो अ बॉलर हु कैन बैट एज वेल। इज अ गुड बॉलर फैसल, जितना भी मैंने उसको देखा है, बट मैंने जिन कंडीशंस में देखा है उसको, उसमें भी उसने नए बॉल से तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, बट जिस तरह का बॉलर है वो उस कंडीशन में अच्छी करेगा। सही है, मसूद साहब है कॉलर हमारे साथ कराची से। जी मसूद भाई, भैया आपने टीवी की आवाज कम कर ली और सवाल पूछ ले प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मसूद। फैसल इलियास भाई क्या हाल है? मसूद सिद्दीकी। अल्लाह का शुक्र भैया, क्या सवाल? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल। अच्छा मुहिम भाई, सवाल ये है कि ये BPL का सुन रहे हैं कि ये कराची में अगर नहीं हो सका तो लाहौर में होगा। जी जी। तो सारे मैचेस अगर जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था कि लाहौर में हुए थे 2 मैचेस और फिर यहाँ पे कराची वाले महरूम रह गए थे इस चीज से,
तो थोड़ा सा मतलब इसको प्रेशराइज करें या कुछ इस तरह करेंगे तो कराची में कंप्लीट हो जाए स्टेडियम का नेसेसिटी वाला, और कराची के जो आवाम है वो इसी से महरूम ना रहे। भाई प्रेशर नहीं, दुआ करें अपनी जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है, NLC काम कर रही है इसके ऊपर, तो दुआ करें कि हमारे लोग जो नेशनल स्टेडियम पे काम करें वो टाइमली ख़त्म कर दें, तो ही एक चांस है कि यहाँ पे हो जाए। और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ काम ख़त्म नहीं हो सका तो देन आपको यकीनन दूसरे वेन्यू पे लाहौर में ले जाना पड़ेगा। दुआ तो हम लोग कर ही रहे हैं लेकिन कोशिश भी हो सकती है ना, मतलब कोशिश भाई वो लोग कर रहे हैं कोशिश बिल्कुल, जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसकी रेनोवेशन का, तो हम एज अ लेमैन या आप एज अ स्पेक्टेटर या लवर ऑफ द गेम या फॉलोअर ऑफ द गेम हम दुआ कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है, तमाम कराची वालों की ख्वाहिश है कि यहाँ पे मैच होना चाहिए और अनाउंस भी कर दिया है, तो अब डिपेंड करता है कि जो पीरियड दिया, जो टाइम पीरियड दिया उसमें अगर रेनोवेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर कोई ऐसा जवाब कोई पैदा करेगा कि यहाँ मैच ना हो सके। मसूद साहब आपके कॉल का शुक्रिया, उसमें एक चीज़ ये भी है कि नजम शेट्टी साहब ने क्लैरिटी दी है कि उन्होंने कहा है कि 15 फरवरी तक हमारा कराची स्टेडियम जो है नेशनल स्टेडियम वो तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह, इन केस कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हो सका तो लाहौर शिफ्ट होगा, वरना ये कराची में ही होना है फाइनल इंशाल्लाह। एक ब्रेक पे जाएंगे बिहाइंड द विकेट में, ब्रेक के बाद वापस आकर मुइन भाई से डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू बिहाइंड द विकेट, हमारे साथ हैं मुइन खान साहब। हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज की, जहां हमने 5 ODIs खेलने हैं, 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं, पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान एक वो टीम बन गई है जो कंसिस्टेंटली शॉर्ट फॉर्मेट में अच्छा खेल रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि वहां पे भी हम अच्छी परफॉर्मेंसेज देंगे, लेकिन टीम के लिए एक चैलेंज जरूर होगा बिकॉज अगर बैटिंग की बात की जाए तो हमारे बैट्समैन उन कंडीशंस पे जो हमने लास्ट सीरीज खेली थी न्यूजीलैंड में उसमें हमने सारे ODIs हारे थे, सो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर बैट्समैन टू एडजस्ट ओवर देयर, लेकिन अगर हमें जीतना है तो वहाँ पे हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह मुइन भाई ने कहा कि कैप्टनसी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, हमारे कैप्टन का कुछ कहना है इस टूर पे जाने से पहले, वो हम पैकेज देखते हैं फिर मुइन भाई से सवाल करना शुरू करते हैं। ऑलराइट, सो हम बजाय इसके कि सरफराज का हम पैकेज दिखाते हैं, हमने ये दिखाया है कि किस तरह न्यूजीलैंड ने अपने होम ग्राउंड्स में वेस्टइंडीज़ को जो है ना बड़े बुरे तरीके से हराया, और ख़ासतौर पर उनकी बॉलिंग, ट्रेंट बोल्ट ने जिस तरह की बॉलिंग की है वहाँ पे वॉज आउटस्टैंडिंग। सो हम देख रहे हैं कि वैसे भी न्यूजीलैंड की बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग है, मुइन भाई कितना मुश्किल होगा हमारे बैट्समैन के लिए? आई डोंट थिंक सो कि इतना स्ट्रॉन्ग है, आई थिंक हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए कि हाउ टू हैंडल देम। ठीक है, बोल्ट ने नो डाउट एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेल किया था, और ये ग्राउंड देखा जाए तो क्राइस्टचर्च का ग्राउंड है, ये वही ग्राउंड है जहाँ पे वर्ल्ड कप 2015 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हम मैच हारे थे और हमारी टोटल हर शोबे में आउट क्लास किया था वेस्ट इंडीज़ ने। ये वेन्यू इम्पॉर्टेंट है, अगर इस वेन्यू पे मैच होता है पाकिस्तान टीम का तो यहाँ पे स्विमिंग पिच मिलेगी, एक्स्ट्रा बाउंस होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर खेलना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको बैट्समैन को सेट होने के लिए, एडजस्ट होने के लिए, और अदरवाइज अगर आप जल्दी शॉट मारेंगे, जल्दी खेलना चाहेंगे, जल्दी रन बनाना चाहेंगे तो इतना इजी नहीं होगा, आप चांस दे रहे होगे बॉलर को, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट। अगर यहाँ पे पाकिस्तान 225 भी करती है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ऐसी बॉलिंग स्ट्रेंथ है कि हम पकड़ सकते हैं क्योंकि हम प्रेशर में बहुत अच्छा खेलते हैं, तो नो डाउट ग्राउंड्स और वेन्यू जितने भी हैं पिचेस इतनी ईजी नहीं होंगी। वेलिंगटन एक ऐसा वेन्यू जहाँ पर बड़ा हाई स्कोरिंग मैच होता है और वेस्टपैक के अंदर आउटस्टैंडिंग पिच होती है, और हमने पहले भी वहाँ पे जब भी मैच खेला है हमने चेज भी किया बड़ा टोटल स्कोर और पोज भी टोटल बड़ा किया हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ एक बड़ा कहना चाहिए कि बॉल फ्रीक्वेंटली बैट के ऊपर आता है, आपको अपने स्ट्रोक खेलने के लिए मिलते हैं, तो वहाँ एक ऐसा वेन्यू है जिस पे आप अपने शॉट्स खेल सकते हैं। अच्छी बात ये कि पहले आपके 50 ओवर मैचेस हो रहे हैं, ODIs हो रहे हैं, सो यू विल गेट टाइम टू एडजस्ट, अगर T20 होते तो आपके पास टाइम थोड़ा कम होता, सो मैच बिल्कुल मुश्किल होता क्योंकि T20 में आपने जाना है, कॉलर है कॉल ले लो फिर आपको। जी भैया कौन सा बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? जी तारिक बोल रहा हूँ जी, रावलपिंडी से। जी तारिक भाई क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, से पहले आप ठीक हैं दोनों? जी वालेकुम अस्सलाम तारिक, बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से। जी मोहन भाई से एक सवाल करना है जी। जी जरूर पूछे कीजिए। मोहन भाई मसला ये है कि हमारी बैटिंग में नंबर 5, 6 या 7 पे कोई फिनिश करने वाला बैट्समैन नहीं हमारे पास, ठीक है? आप क्या समझते हैं कि उमर अकमल को ग्रूम नहीं करना चाहिए था इसके लिए? बिल्कुल ठीक है आपका सवाल, अच्छा सवाल है। आई थिंक देखें जब बड़े प्लेयर टीम से जाते हैं थोड़े अरसे के लिए खला ज़रूर आती है, बट हमारे पास अच्छे बैकअप मौजूद है, मैं समझता हूँ असद शफीक जैसे टेस्ट मैच में प्लेयर मौजूद हैं, देन बाबर आजम ने बड़ा अच्छा डेब्यू किया वनडे में, आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्लेयर्स डेवलप हम कर सकते हैं। अभी
सोहेल की वापसी हुई है टीम में और वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छे मिडल ऑर्डर लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और एट टाइम्स उन्होंने अभी रिसेंट पास में फिनिश भी किए मैचेस, तो हमारे पास मौजूद है। उमर अकमल का भी ऑप्शन बुरा नहीं है, लेकिन उमर अकमल को टीम में वापस इंक्लूजन के लिए डोमेस्टिक सीजन में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, तभी वो टीम में वापस आएंगे। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। अगर सरफराज उनको लेके चलेंगे और कॉन्फिडेंस देंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, टैलेंट बहुत है बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले प्लेयर और डिलीवर करे। बिल्कुल, मुझे आपने जैसे कहा कि बैट्समैनों को वहाँ पे अपने आप को अडाप्ट करना पड़ेगा और थोड़ा वक्त देना पड़ेगा सेटल होने के लिए। ओपनिंग में हम देखते हैं कि तीन लोग हैं हमारे पास ओपनिंग स्लॉट के लिए, अजहर अली हैं हमारे पास, इमामुल हक हैं जिन्होंने डेब्यू पे सेंचुरी की है और फखर जमान भी हैं जिन्होंने अपने आप को यू नो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी की उन्होंने। सो आपको क्या लगता है पाकिस्तान लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के साथ अजहर और फखर के साथ उतरेंगे या क्या कॉम्बिनेशन होगा? आई थिंक राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन प्रेफरेंट यही होनी चाहिए बिकॉज के मूविंग बॉल होगी तो आप बॉलर को ओपोनेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं विद राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन, क्योंकि नए बॉल इतना कंट्रोल से करना इतना आसान काम नहीं होता किसी भी बॉलर के लिए, जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो टाइम लगता है उसको भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो आइडियल तो ये होगा बट चूँकि रिसेंट पास में अगर इमाम ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और फखर भी अच्छा खेलता रहे तो वो कोई मुजायका नहीं है अगर लेफ्ट हैंड के साथ भी आप चले जाते हैं और जस्ट टू गिव कॉन्फिडेंस टू इमाम, आई थिंक देना चाहिए बिकॉज उन्होंने रिसेंटली रन भी किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फिडेंस देना चाहिए उन प्लेयर्स को जिन्होंने रिसेंट पास में परफॉर्मेंस की। सही है, और बाबर की परफॉर्मेंस एज अ वन डाउन बैट्समैन इतनी अच्छी है कि शायद आप उस स्लॉट को भी नहीं हिलाएंगे। आई थिंक हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि बाबर इस नेचर का प्लेयर है कि वो टाइम लेता है, सेट होता है फिर एग्जीक्यूट करता है अपने शॉट, बड़ा आइडियल है इन सिचुएशंस के लिए, लेकिन ये सेंचुरी की बिल्कुल उसको अपने ऊपर थोड़ा सा लेना पड़ेगा मैच का प्रेशर, थोड़ा सा शो करना पड़ेगा कि एक वो एंकर रोल प्ले करे क्योंकि तीन नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट नंबर होगा इन कंडीशंस के अंदर। तो कैपेबिलिटी है उसके अंदर, स्किल है माशाल्लाह, नज़र आता है उसके अंदर कि वो है बड़ा गट्सी, स्टे करता है पिच के ऊपर देन एग्जीक्यूट करता है, तो अगर वो राइटली अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होता है तो पाकिस्तान टीम की बैटिंग ऐसी नहीं है कि वो फ्लॉप हो, उसको एंकर रोल प्ले कर सकता है वो इंशाल्लाह। और जब आप फखर जमान और अजहर अली की बात करते हैं तो फखर जमान थोड़े से अनऑर्थोडॉक्स हैं और अजहर अली बहुत ज़्यादा यू नो एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से एक बाय बुक खेलने वाले प्लेयर हैं, तो दैट बिकम्स अ गुड कॉम्बिनेशन ओपनिंग स्लॉट में। बिल्कुल बिल्कुल, देखें हो सकता है सारी चीज़ें, लेकिन आप अगर सिर्फ ये देखें कि यंगस्टर को नहीं खिलाना वहाँ पर या कंडीशन ऐसी हैं फिर दैट विल बी अनफेयर, बिकॉज अनफेयर आई थिंक प्लेयर मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि प्लेयर बड़ा वही होता है जो हर जगह रन करे दुनिया में, हर जगह इंजमाम ने हर जगह रन किए, सलीम मलिक, जावेद मियादाद, ज़हीर अब्बास साहब माशाल्लाह इतने बड़े बड़े प्लेयर, एजाज अहमद साहब, इन लोगों ने हर दुनिया के ग्राउंड में रन किए, तो ऐसे ही थोड़ा सा बूस्ट करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। यंगस्टर ने अगर परफॉर्म किया और आपका विजन है अगला वर्ल्ड कप तो आप इन कंडीशन में लोगों को खिला के टेस्ट करें और पता चलेगा ताकि आपको कि कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं ये। अगर सिर्फ बैटिंग पिचेस के ऊपर अगर आप लोगों को चांस देते रहेंगे और जहां मुश्किल कंडीशंस होंगे वहां पे अपने आप सिर्फ सीनियर्स को डालेंगे तो सीनियर्स भी कल को ये शिकायत करते हैं और प्रीवियसली भी होती रही है शिकायत, तो उससे टीम कॉम्बिनेशन और एटमॉस्फेयर जो है वो ख़राब हो जाता है। आई थिंक जिन लोगों को आप ओपन करा रहे हैं अपनी होम कंडीशंस के अंदर उन्हीं को आप ताकि वो कॉन्फिडेंस वो भी गेन करें और उन कंडीशंस को अडॉप्ट करना सीखें। सही बात है। अच्छा मोइन भाई, आप सीनियर्स की अगर बात की जाए तो हफीज़ जो है वो बॉलिंग नहीं करा सकेंगे बिकॉज उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ हुआ है, डू यू थिंक के ही विल स्टिल मेक इनटू द टीम एज अ बैट्समैन, या आपको लगता है कि हारिस सुहेल बैट्समैन है, नो डाउट अबाउट हिज स्किल्स, कोई डाउट ही नहीं है, जब वो खेलता है तो वो मैच विनर होता है, ICC चैंपियनशिप के फाइनल में भी जिस तरह की उसने बैटिंग किया था, वो बड़ी वाइटल इनिंग खेली थी, नीचे से आके बड़ी कम बॉलों में 50 रन किए थे, आई थिंक आइडियल प्लेयर है वो, एज अ बैट्समैन भी टीम में आता है, मैं तो उसको एज अ बॉलर भी समझता हूँ, वो एज अ बॉलर भी टीम में आता है, बट हमारे पास अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त एक्शन वो हुआ है तो टीम में तो आता है, बट लेकिन ये देखना होगा कि कहाँ किसको खिलाना है, किस तरह अपनी नंबरिंग, वंस यू डिसाइड तो आप फिर बार बार चेंज ना करें, क्योंकि अगर हार गए खुदा ना खास्ता मैच और अपना आप कॉम्बिनेशन चेंज कर दें या नंबरिंग चेंज करें तो उससे अब पैनिक नज़र आता है क्लियरली, दूसरी टीम उस चीज़ का एडवांटेज उठाती है फौरन, तो आपने वंस सोच लिया नो मैटर व्हाट, अगर हारते भी कोई बात नहीं, वंस डिसाइड कर लिया हाँ यार ये नंबरिंग है ये इस तरह खिलाना है हमने, इस तरह एडजस्ट करके खिलाना है, तो उन पर बैंग करें, उनको खिलाएं
और नो मैटर व्हाट हार जीत होती रहती बट एफर्ट पूरी करें। एंड मुइन भाई यू आर एब्सोल्युटली राइट, पाकिस्तान की आवाम सिर्फ यही चाहती होती है कि हमारी टीम फाइट करे, लड़े और उसके बाद अगर हार भी जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एफर्ट नहीं होती तो हमें बुरा लगता है। एब्सोल्युटली। अच्छा मुइन भाई, कायदे आजम ट्रॉफी का हमने देखा, 60th कायदे आजम ट्रॉफी थी जो हमारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक सबसे प्रीमियम टूर्नामेंट है, उसमें फाइनल SNGPL की टीम ने जीता है और कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी कंसर्निंग भी थी कि बैटिंग एवरेजेस बहुत बुरे रहे हैं इस बार और लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा टूर्नामेंट हुआ, उसमें हमने एक पैकेज तैयार किया वो देखते हैं, उसके बाद हम उस पर बातचीत करते हैं। सो इफ्तिखार अहमद ने जो है वो SNGPL की टीम को जो मैच फाइनल जिताया और हमने ओवरऑल देखा कि कायदे आज़म ट्रॉफी में एजाज चीमा जो है उन्होंने सबसे ज्यादा विकेटें ली और बेस्ट बॉलर रहे कायदे आज़म ट्रॉफी के, कैसे देखते हैं मुइन भाई? आई थिंक ओवरऑल अच्छा फाइनल मैंने देखा, बड़ा कीनली वॉच किया और हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, मेरी फेवरेट टीम सुई नॉर्दर्न ही थी बिकॉज स्ट्रेंथ भी अच्छी थी, एक्सपीरियंस प्लेयर्स थे और एट दी एंड उन्होंने शो किया क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि बाबडा बहुत ज़्यादा डोमिनेट करी थी मैच के अंदर लेकिन कम बैक किया, इफ्तिखार की सेंचुरी, रिजवान के 92 रन 91 रन जो उन्होंने किया, आउटस्टैंडिंग आई थिंक परफॉर्मेंस इन प्रेशर के अंदर और देन अगेन समीउल्लाह नियाज़ी ने 8 विकेटें आखिरी इनिंग में जो ली हैं, इतने सीनियर बॉलर हैं आउटस्टैंडिंग। जी अब मैं जब खेलता था उस वक्त से खेल रहे हैं, मैंने भी इनको फेस किया, बड़े अच्छे बॉलर हैं हमेशा और बड़े मुश्किल बॉलर हैं, आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है बट अनफॉर्चुनेटली कायज़म ट्रॉफी का फाइनल एक आदमी नजर नहीं आया स्टेडियम में, मुझे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जो आप अट्रैक्ट करे व्यूवर्स को या बच्चों को। आई थिंक PCB को थोड़ा सा इस पर सोचना चाहिए, इतने बड़े जब टूर्नामेंट होते स्कूल्स को लेके आए, स्कूल्स को लाना जरूरी है ताकि हमारे बच्चे इनफैक्ट अकेडमीज को के बच्चे आ जाते हैं। कॉलर ने ज्वाइन किया उनको। जी सर कौन साहब बात कर रहे हैं, क्या सवाल है? जी आदिल बात कर रहा हूँ कराची से। जी आदिल क्या सवाल है? सवाल तो मेरा सवाल वही होगा जो मैं बात एक छोटी सी मुइन भाई से करना चाहता हूँ। मुइन भाई ये जो 10-10 की क्रिकेट आ गई है और इससे पहले T20 जो आ गई थी उससे क्रिकेट का जो भेड़ा घरक हुआ है आप अच्छी तरह इसको समझते हैं, ये मेरा ओपिनियन हो सकता है आपका ना हो, लेकिन जो हमारी बैटिंग लाइन है इस T20 और ये जो 10-10 आई है इसके बाद तो इसका मतलब 50 ओवर खेलना हमारी टीम का इतना मुश्किल हो गया है और टेस्ट क्रिकेट की तो बात ही दूर की है, तो इसके ऊपर कुछ आपने बताया हो इनको, इन लोगों को, कि कैसे विकेट पे खड़ा होना है क्योंकि इस क्रिकेट ने, छोटी क्रिकेट ने तो बड़ी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसका हुसन ही खराब कर दिया है, तो हमारे लोग 50 ओवर जो है वो किस तरह हमारे बैट्समैन जो है खड़े होंगे विकेट पे, इसके ऊपर आप कुछ बताएं कि ये किस तरह से हम लोग आगे चलेंगे, बड़ी मेहरबानी आपको। जरूर थैंक यू। बात यह है नो डाउट क्रिकेट की खूबसूरती तो टेस्ट क्रिकेट है, एज ए क्रिकेटर मुझे भी बहुत पसंद है बिकॉज सारी स्किल्स का आपको पता चलता है वहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली आपसे जैसे लोग चाहने वाले क्रिकेट को टेस्ट मैच में ग्राउंड में नजर नहीं आते, बट T20 हो रहा तो आप लोग बैठे होते हैं, T10 हो रहा तो आप लोग बैठे होते हैं। गुड पॉइंट है। तो बात यह है कि जो लोगों को पसंद आती है क्रिकेट वैसे चेंज होती चली जाएगी और वक्त की ज़रूरत भी है, लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, स्पॉन्सर्स को भी एंटरटेनमेंट चाहिए, प्लेयर्स को भी नेचुरली एग्रेसिव क्रिकेट चाहिए, तो ये चीज़ तो चलती रहेगी। आई थिंक पसंद नापसंद की बात है, तीनों फॉर्मेट्स हो रहे हैं। बड़ा अच्छा जवाब सुना था इस पे कि क्रिकेट से क्रिकेट कैसे खराब हो सकती है, आप चाहे T10 खेलें, आप क्रिकेट खेलें उससे क्रिकेट खराब नहीं हो सकती, बट एक चीज हाँ जो मुझे T10 के अंदर ना बॉलर्स को फ्री हैंड देना चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा पिटाई हो रही है बॉलर की तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है। आते ये जो बाउंसर का ये दो बाउंसर एक से ज्यादा नहीं कर रहे, ये फ्री हैंड दे देना चाहिए बॉलर्स को, अगर T10 या T20 क्रिकेट को में थोड़ी सी और कॉम्पिटिटिवनेस लेके आनी है जिससे इंटरेस्ट बढ़ेगा पब्लिक का। दिस इज वन ऑफ द सजेशंस फ्रॉम मुइन भाई। मुइन भाई हमारे शो का वक्त खत्म होता है, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं शो पे आने के लिए, हम अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे शो के साथ बने रहें, कल हम अपने शो पे मुइन भाई के साथ पूरे साल का रिव्यू करेंगे कि 2017 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसा रहा, उसमें हमारी क्या अचीवमेंट्स रही, क्या प्रॉब्लम्स रहे और आने वाले साल हमारे लिए कैसे होंगे, कुछ प्रेडिक्शंस भी लेंगे। सो कीप वॉचिंग बिहाइंड द विकेट्स, वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।